नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में दोपहर 12 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी किया है। बोर्ड परीक्षा इस बार ऑफलाइन मोड में हुई थी। सेंटर में आकर छात्रों ने पेपर लिखा था। इसमें करीब 6 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। इसके तहत 10वीं में 3 लाख और 12वीं की परीक्षा में 2 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं रायगढ़ की सुमन पटेल 10वीं में छत्तीसगढ़ टॉपर बन गई है। उन्होंने 98% अंक प्राप्त किया है। वहीं कांकेर की सोनाली बाला ने भी टॉप किया है, उन्हें भी 98% अंक मिले हैं। कवर्धा की आशिफा शाह दूसरे नंबर पर हैं, उन्हें 98.17% अंक मिले हैं। बिलासपुर के जयप्रकाश कश्यप भी सेकेंड टॉपर हैं। 10वीं में राजनांदगांव की दामिनी वर्मा तीसरे स्थान पर रही हैं। 10वीं की टॉप 5 में 4 बेटियों ने बाजी मारी है। हाई स्कूल में इस बार 74.23% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें 78.84% बालिका और 69.7% बालक पास हुए हैं। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी में 89.30% छात्र उत्तीर्ण हैं, 81.15% बालिकाएं और 77.3% छात्र उत्तीर्ण रहे हैं। साथ ही इस बार राज्य सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं परीक्षा में राज्य में शीर्ष स्थान और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर में घुमाने की सरकार द्वारा घोषणा भी की गई है। उनका परिणाम अच्छा रहा और बेहतर जो अपेक्षा जो आने चाहिए थे रिजल्ट, वही रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुए, यहाँ पर दिखाया गया है। तो आज तो बच्चों के लिए खुशी का दिन है कि बच्चे जो मेहनत किए हैं वो सफल हुए हैं, मेरिट में भी आए हैं। बहुत से बच्चे में उसमें मेरिट में भी आए हैं। 10वीं में लगभग 22, 12वीं में 22 बच्चे मेरिट में उसमें आए हैं, उसमें 13 छात्राएं हैं और 9 छात्र हैं। और 10वीं में 71 मेरिट में आए हैं, उसमें 52 छात्राएं हैं और 19 छात्र। तो एक कुल देखा जाए तो ये जिस ढंग से जो कोरोना काल के बावजूद जो मेहनत किए हैं बच्चे, उनका रिजल्ट उनके अनुरूप आया है और काफ़ी सराहनीय है। रिजल्ट अच्छा है और काफ़ी सराहनीय है।